कि जो ये कार्यकाल 5 साल का रहा, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। किसी ठेकेदार अधिकारी कर्मचारी किसी चाय तक भी नहीं पीता था। इससे घटिया निर्माण कार्य होते हैं, सड़कें जो बनती हैं 6 महीने में टूट जाती है। उसी ईमानदारी का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में IT की कई रेड पड़ी, छापे हुए। राज्यसभा सांसद कांग्रेस के धीरज साहू, जिनके यहाँ से कई करोड़ रुपये निकले कि मशीनें थक गई गिनते गिनते। IIT बनवा दिए, IIM बनवा दिए, एम्स भी बनवा दिया। राम मंदिर को लेकर क्यों नहीं बोलते हैं फिर कांग्रेस? क्या देश में मंदिर नहीं होने चाहिए? राम मंदिर के साथ क्यों नहीं खड़ी होती हैं? मथुरा में क्यों नहीं कांग्रेस आके खड़ी होती है? आपको लेकर आपने कहा कि 2017 में इनके वादे थे भाजपा के, हम शराब मुक्त बना देंगे उत्तराखंड को। कांग्रेस की सरकार यदि निगम में आ जाती है तो ऋषिकेश में जो लीगली अब ये खुल गए हैं शराब के ठेके, इनको क्या आप बंद करवा देंगे फिर? अब आगे क्या है, आप पार्षद ही रहने का प्रयास है या फिर आगे दावेदारी भी है? नहीं, आगे दावेदारी भी है। पार्टी चाहेगी, जनता चाहेगी, तो निश्चित तौर पर मेयर का चुनाव भी लड़ेंगे। इतनी समस्याओं की आप कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो कभी क्या कांग्रेस सरकार ने ये नहीं सोचा, या महानगर अध्यक्ष हैं आपने कभी ये नहीं विचार करा कि अब आंदोलन पे उतरा जाए, अब हम भी सड़क पे उतरें, अब हम भी जनता के साथ आके खड़े हो जाएं, अब हम भी एक बार सरकार हाय हाय के नारे लगा दें? नमस्कार ऋषिकेश, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अंकुर अग्रवाल। अब से कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने हमारी चर्चा सुनी होगी शिवकुमार गौतम के साथ, जो कि पार्षद थे भाजपा के। कई सारी बातें उन्होंने हमको बताई, कई तरह के आरोप भी अपने नेता पर उन्होंने लगाए। तो आज हमने सोचा कि एक बार ज़रा चलें और कांग्रेस के भी किसी पार्षद से बात की जाए कि आखिर ये माजरा है क्या। सदन में जो काम हुए पिछले 5 सालों में, नगर निगम बोर्ड ने जो काम करे हैं, वो कितने धरातल पे हैं या नहीं हैं, इस चीज़ की जानकारी लेंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से जो निवर्तमान पार्षद हैं एडवोकेट राकेश सिंह, जो कांग्रेस से थे, आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार गौतम जो कि भाजपा के पार्षद रहे हैं, निवर्तमान पार्षद हैं वार्ड नंबर 17 से, हाल ही में उन्होंने कहा कि जो महापौर अनीता मंगाई है, उन्होंने कांग्रेस के लोगों के लिए काम किया, अन्य दलों के लिए काम किया, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप स्वयं कांग्रेस से हैं? चलिए, सबसे पहले मैं द न्यूज वाला चैनल और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं और जनता की आवाज़ लोगों के बीच में रखते हैं, तो इस बात के लिए मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपकी बात पर आता हूँ कि जो हमारे पूर्व पार्षद साथी थे, उन्होंने कुछ बातें कही, तो मेरा तो इस बात पर ये कहना है कि अगर वो ये कहते हैं कि उनकी मेहर ने कांग्रेस के लोगों का काम किया, तो मेरे इस बात का ये जवाब है कि वो पार्षद किसी भी दल का हो, अगर आपको अपने अधिकारी कर्मचारियों से काम लेना आता है तो उसी का काम होगा। हमने अच्छे काम किए और अपने वार्डों के लिए, अपने ऋषिकेश नगर के लिए लड़े, जिन कामों को हम करा सकते थे वो हमने किए। लेकिन मैं तो ये भी कहना चाहूँगा पार्षद महोदय से कि आपके ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर थी, आपका पूर्ण बहुमत से पार्षद आपके यहाँ पर थे, मेयर आपकी थी, विधायक आपके हैं, मंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, देश प्रदेश में सरकार आपकी है और वो सरकार हमारी भी है। लेकिन सरकार या निगम ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को पैसे देने के उसमें फिसड्डी साबित हुई, मेरा तो सीधा आरोप है। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब तमाम निकायों का बजट बढ़ा तो ऋषिकेश निकाय का बजट नहीं बढ़ा। हमने जो पूर्व के जो पूर्व का जो कार्यकाल था, जब नगर पालिका होती थी, वो नगर पालिका के समय के जो पैसे बचे हुए थे, थोड़ा बहुत और फंड शुरू हुआ तो 2 सालों तक काम हुआ। तीसरे चौथे पांचवें साल निगम के अधिकारियों का रोना, निगम का रोना कि यहाँ पैसा नहीं है, और एक ढेला काम इन जो है 3 सालों में नहीं हुआ। जो 2 वर्ष हमने जो प्रस्ताव पास किए थे उन्हीं पर काम हुआ, फिर भी हमने अधिकारियों से अपने दम पर खींच के और अपना जो भी काम ले सकते थे अधिकारियों से हमने काम लिया। तो ये तो कांग्रेस के लोगों की काबिलियत है। हाँ, भाजपा में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उनकी काबिलियत है कि वो शासन प्रशासन आदि अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, आपको काम कराना पड़ेगा। जनता ने आपको अगर चुन के भेजा है तो काम कराना पड़ेगा। मैं इस बात का जवाब उन्हें ये देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को काम करना आता है, और जब जनता कांग्रेस के लोगों को पुनः चुनेगी तो और अच्छे से हम काम करेंगे। आपने जो बात कही, 2 सवाल खड़े होते हैं इस बात से। पहला तो ये कि आपने कहा कि कांग्रेस के लोगों को काम कराना आता है, इसीलिए उनके काम हुए हैं।
यदि कांग्रेस की सरकार निगम में आ जाती है तो राज्य में तो अभी भी भाजपा है और केंद्र में अभी भी भाजपा है, तब क्या फंड की दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि अभी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद इतनी समस्याएं हैं, तो कांग्रेस की सरकार यदि निगम में रहेगी, केंद्र में भाजपा की रहेगी, राज्य में भाजपा की रहेगी, मंत्री भी भाजपा के हैं, और ज़्यादा क्लैशेज हुआ करेंगे। पहला तो सवाल ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि आपने कहा कि अधिकारियों से काम लेना ज़रूरी है, कांग्रेस को काम लेना आता है। यदि कांग्रेस को इतना काम लेना आता है तो कहाँ कांग्रेस गायब की होती जा रही है धीरे धीरे? निगम में नहीं आ पा रही है, राज्य में नहीं आ पा रही है, जो प्रदेश है उनमें नहीं आ पा रही है। देखिए, पहले बात का मैं आपको ये जवाब दूंगा कि आपने कहा कि भाजपा की सरकार है, बजट की कमी है। स्वाभाविक बात है कि है, अगर कांग्रेस आएगी तो बजट की कमी नहीं होगी। जो बजट निकायों को आना है वो बजट तो आना ही है निकायों को ना, आपको लाने वाला चाहिए ना। मंत्री वो भाजपा के मंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो जनता के मुख्यमंत्री हैं। अगर प्रदेश के निकायों में सब जगह काम होगा तो ऋषिकेश के निकाय में भी काम होगा। अगर निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस का मेहर आगामी, अब जो 2024 में इलेक्शन होंगे, अगर हमारा मेयर हमारे पार्षद जीत कर आएंगे तो हम, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो ये कार्यकाल 5 साल का रहा, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। किसी ठेकेदार अधिकारी कर्मचारी किसी की चाय तक भी वहाँ नहीं पीता था। अपने सिद्धांत और हमारे जो अपने वसूल है उन पर हमने काम किया और ईमानदारी से काम करवाया। कोई भी ठेकेदार अगर आया हो तो हम ये कहते थे कि मेरे वार्ड में जो काम करेगा उसको कहीं कमीशन देने की जरूरत नहीं है। इसी सवाल पे मैं आ रहा था। लेकिन तब भी वो ठेकेदार छोड़ के भाग जाता था, क्योंकि जो मेरा क्षेत्र है प्रगति विहार के, यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर लोग हैं, वो जो आपका शेड्यूल में जो भी होगा उस हिसाब से वो काम कराते हैं जो आपके बॉन्ड पर लिखा होगा। लेकिन तब भी ईमानदारी से काम जब हम लेते थे तब भी ठेकेदार भाग जाता था। तो हम तो स्वयं कहते थे हमें ना हमें कमीशन चाहिए ना किसी अधिकारी को देना है। जब हम खुद नहीं लेता तो कोई अधिकारी कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं लेगा। तो आज ये भी है कि आज जो कमीशन की प्रथा है ये दुखदायी है, इससे घटिया निर्माण कार्य होते हैं, सड़कें जो बनती हैं 6 महीने में टूट जाती हैं। हमने 2009 में सड़कें बनाई थी प्रगति विहार की, और आज भी वहाँ एक रोड़ा नहीं उठा है कहीं पर भी। जहाँ हाँ आज जल हर घर जल नल योजना जो है, इन्होंने जो सड़कें खो दी इसलिए टूट फूट गई थोड़ी सड़कें, लेकिन आज भी एक जो है गारा भी उससे नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने गुणवत्ता से काम किया है। और मैं आपको इस बात को फिर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को ईमानदारी से काम करना आता है। अब मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है। आप किसी भी अधिकारी कर्मचारी मेरे पार्षद साथी मेहर जो सदन में मेरे साथ रहो, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस के लोगों को ईमानदारी से काम करना आता है, फिर भी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे और कांग्रेस सरकार केंद्र से भी चली गई, राज्य में भी नहीं है और निगम में भी अभी आसार कुछ डामाडोल से हैं। देखो, कांग्रेस के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, कांग्रेस ने देश के निर्माण में अपना योगदान, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो धर्म जाति आधारित राजनीति हो गए और हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं। जो कांग्रेस पे जो आरोप लगते थे कि ये मुसलमानों की तरफ जाती है, तो क्या कांग्रेस ने नहीं करा कभी ये वाला काम? अगर कांग्रेस ने कहीं पर भी एम्स बनाए हैं या IIT बनाए हैं, IIM बनाए, जितने भी संस्थान बनाए हैं या सड़कें बनाई हैं या देश का जो भी विकास किया है, वो क्या एक विशेष समुदाय के लिए हुआ? कांग्रेस ने सबके लिए काम किया है। कांग्रेस ये जरूर है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन आज जितने भी लोग हैं, लोगों के बीच आज खाइयाँ पैदा हो गई है। आपने IIT बनवा दिए, IIM बनवा दिए, एम्स भी बनवा दिया, राम मंदिर को लेकर क्यों नहीं बोलते हैं फिर कांग्रेस? क्या देश में मंदिर नहीं होने चाहिए? राम मंदिर के साथ क्यों नहीं खड़ी होती हैं? मथुरा में क्यों नहीं कांग्रेस आके खड़ी होती है? बार बार महंत क्यों इस तरीके के आरोप लगाते हैं बड़े बड़े कि कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म के विरोध होती जा रही है, इन तरह के पक्षों में कांग्रेस खड़ी नहीं होती है? देखो, हम भी सनातनी लोग हैं, धर्म को मानते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन बाहर प्रचार नहीं करते कि ये आडंबर ढोल नहीं पीटते कि जिस तरह का माहौल आज है कांग्रेस की। आपने कहा कि कांग्रेस बनवाना आडंबर नहीं हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो राम मंदिर है, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, उसके बाद मामला कोर्ट में गया, अब कोर्ट के माध्यम से ताला खुला। लेकिन ये बात और है कि आप कोई इस बात का श्रेय लेके हमने खुलवाया, कोर्ट तो वो तो कोर्ट का फैसला है।
जब कोर्ट में विचाराधीन था मामला, तो कांग्रेस कैसे ताला खोल सकती थी? राजीव जी ने खुलवाया, दूसरा पक्ष कोर्ट गया, कोर्ट ने बंद करवा दिया, स्टे दे दिया, अब फिर कोर्ट ने खुलवा दिया। तो मान्य कोर्ट ने खुलवा दिया, अब हम उस बात का सिरे ले रहे थे, तो गलत बात है। मतलब आप पक्ष में हैं कि राम मंदिर भी बने, मथुरा में जो बांके बिहारी का मंदिर है वो भी बने, काशी कॉरिडोर भी बने, सब काम हो? बिल्कुल, विकास के साथ साथ जो है राम मंदिर बन रहा है, ये हमारा हिंदुओं का आस्था का सवाल है। किसी कांग्रेसी का पोस्टर कभी दिखा कि राम मंदिर बन रहा है और उसकी बधाई देश को दी जाए? यही आपका तो पूरा श्रेय भाजपा ही ले जाती है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया। मैं आपकी बात को, इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि भाजपा के लोग सड़कों पर जय श्री राम करते हैं, काम नहीं करते। अभी राम मंदिर के लिए चंदा हुआ, मैंने भी खुद चंदा दिया, अब पूरे देश ने दिया, हर व्यक्ति ने दिया, तो हर व्यक्ति ने राम मंदिर में अपना सहयोग दिया। लेकिन एक पार्टी अगर इस बात को कह रहा है कि हमें नहीं बनाया है, तो ये तो लोगों को भी पता है, ये तो कोर्ट के आदेश पर खुला है और सारे देश ने पैसा दिया है, सारे देश ने चंदा दिया है और सारे देश के सहयोग से आज राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। राम हमारे आराध्य हैं और रहेंगे, हम राम को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। जो निगम में भ्रष्टाचारी की आप बात कर रहे हैं, कमीशन खोरी की, कमीशन बहुत चलने लगा, ये कमीशन किस सरकार के आया, किस सरकार के निगम के बोर्ड में आया या नगर के बोर्ड में आया, नगर पालिका के? क्योंकि कमीशन अचानक से तो पनपा नहीं कि नगर निगम बना है, भाजपा की सरकार बनी है तो अब कमीशन लेना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल आपका। मैं देखो इस बात पर ये बात कहना चाहता हूँ कि अधिकारी अपना सुविधा शुल्क पहले से ही लेते आ रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता है कि लेते आ रहे हैं। सुविधा शुल्क ही शायद भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। ये सुविधा शुल्क भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है, बिल्कुल सही बात आपने कही। मैं इस बात पर ये कह रहा है कि आज की सरकार कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जब आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो भ्रष्टाचार क्यों व्याप्ता है? कौन लगाम लगाएगा? जनता ने सत्ता आपको दी है कि आप ईमानदारी से, आपने कहा था कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो कौन ईमानदारी से काम करेगा? उसी ईमानदारी का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में आईटी की कई रेड पड़ी, छापे हुए, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के धीरज साहू, जिनके यहाँ से कई करोड़ रुपये निकले कि मशीनें थक गई गिनते गिनते। किसी भी व्यक्ति के पास नंबर दो का पैसा है, कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उन पर बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात के खिलाफ है। हम तो फिर कह रहे हैं, हमने निगम में ईमानदारी से काम किया, जनता भविष्य में अगर आने वाले समय में हमें मौका देगी, मेयर बनाने का मौका देगी कांग्रेस को, तो हम तब भी ईमानदारी से काम करेंगे। मेयर पे ही आते हैं, अब आपने 5 साल पहले, तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने निगम में एक पार्षद के रूप में, क्योंकि पहली बार ऋषिकेश जो है निगम के उसमें आया, क्षेत्र में आया, और आपने 5 साल पार्षद के रूप में वहाँ पे दिए हैं। अब आगे क्या है, आप पार्षद ही रहने का प्रयास है या फिर आगे दावेदारी भी है? नहीं, आगे दावेदारी भी है, पार्टी चाहेगी, जनता चाहेगी, तो निश्चित तौर पर मेयर का चुनाव भी लड़ेंगे। पार्टी ये चाहेगी कि किसी दूसरे व्यक्ति को लड़ाना है तो हम लड़ाने का काम भी करेंगे। मैं तो कांग्रेस का शहर अध्यक्ष होने के कारण, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष होने के कारण, मेरा तो दायित्व भी है कि जो पार्टी का आदेश होगा, या मुझे लड़ना है या किसे लड़वाना है, तो जो पार्टी का आदेश हो मैं करूँगा। क्या लगता है किस पद में रहकर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक मेयर के पद पर रह के या पार्टी को खड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय? क्योंकि आप महानगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो पार्टी खड़ी करना पहला प्राथमिकता है या फिर खुद चुनाव में उतर जाना, वो ज़्यादा प्राथमिकता है? मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपने संगठन को खड़ा करूँ, संगठन को नई दिशा दूँ और संगठन को मजबूत करूँ। जब हमारा संगठन मजबूत होगा, वो राकेश सिंह चुनाव लड़े, वो दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। 3 राज्यों में हाल ही में भाजपा ने सरकार बना ली, 2 राज्य ऐसे थे जो बिल्कुल कांग्रेस के पाले में थे, उनको भी खींच के भाजपा अपनी तरफ ले गई, क्या कारण बन जाता है? क्योंकि ये चीज़ें बार बार निकल कर आ रही हैं, कांग्रेस सोचती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम इस बार आएंगे। अगर हम इस तर्ज को निगम में भी देखें तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का ड्रॉबैक आप लोगों को मिलेगा क्या निगम में या आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका? क्योंकि लोगों की और कार्यकर्ताओं की उम्मीद टूट जाती है जब ऐसी बार बार हार का सामना करना पड़ता है। जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, आप दूसरी ओर अगर जाएंगे, अगर 5 राज्यों का आप रिजल्ट मिलाएंगे तो कांग्रेस 10 लाख वोट से भी भाजपा से अधिक वोट हमें मिले। सरकार तो मुद्दा तो सरकार बनाने का है,
ठीक है, सरकार वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, हम ज़्यादा वोट प्रतिशत हमारा है, लोगों ने हमें विश्वास जताया, वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन राज्यों के चुनाव, निकाय के चुनाव दोनों में फ़र्क है। स्थानीय जनता निकाय के चुनाव जब होते हैं तो ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को जानता है, हर आदमी जानता है कि कोई ऐसा व्यक्ति सीट पर बैठे कि जो शहर का विकास कर सकता हो, जो ईमानदार हो, और जो लोगों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्या अगर मैं आपको बताऊं, ऋषिकेश शहर में आवारा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। हमने सदन में बोर्ड में प्रस्ताव भी पास किया कि जो आवारा पशु हैं, वो चाहे गाय हों, सांड हों, आज आवारा कुत्ते लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, लोगों को चोटिल कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर लोगों को जो है वो गिराने का काम कर रहे हैं। बंदर देखिए, आप पूरे शहर में बंदर हैं, बंदर लोगों को काटने का काम। आज किसी ने सुबह डाला था कि सुभाष चौक पे बंदरों का नाश्ता होता है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि सुभाष चौक में बंदरों का नाश्ता होता है, लोग बंदरों को जो भी चना वना फल केला देते हैं, ये भी देते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि बंदरों को आप ना दें, जहाँ पर बंदर या जो आवारा कुत्ते हैं, जहाँ पर इन्हें खाना, या गाय है, जहाँ पर इन्हें खाना गाय मिले वो मिलेगा। अगर हम कर सकते हैं तो हमें गाय के लिए चारा देना है तो कहीं वहाँ पर दे दें जहाँ पर गाय का नियत स्थान हो। पशुओं को लेकर आपने कहा कि हम लोग उनको स्थानांतरित करने का काम करेंगे, यहाँ कूड़े की समस्या हल नहीं हो रही है, उसकी ज़मीन को लेकर इतना विवाद है, तो आवारा पशुओं के विवाद को कैसे हल करेगी कांग्रेस सरकार? हमें, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें काम करना है, जनता के हित में काम करना है। आज जो आवारा पशु हैं, हम इनके लिए क्यों नहीं कर सकते? इतनी सारी ज़मीनें खाली हैं, कहीं भी हम गौशाला बना लें, वहाँ उन्हें शिफ्ट कर लें। बहुत सारी ज़मीन है, ऋषिकेश नगर निगम के अंतर्गत ही हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो हम अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने आवारा जानवरों के लिए ये प्रस्ताव पास किया था कि इन सबको यहाँ से हटाया जाए, जहाँ भी उचित स्थान निकले वहाँ इन्हें भेजा जाए, लेकिन उसमें भी फेलियर रहे। हम अधिकारी को कहते हैं तो पैसे का रोना रहता कि पैसा है ही नहीं। तो ये तो सरकार का, ट्रिपल इंजन की सरकार का, जब आप, जनता ने आपको सब कुछ दिया, उसके बाद भी हम जनता को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो आज उसका नतीजा आवारा सांड जो है सड़कों पर लड़ रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, बंदर जो है लोगों को घरों में घुसकर काट रहे हैं, कुत्ते जो है आप किसी भी सड़क गली में चले जाओ आपके पीछे दौड़ रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। तो ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार का फेलियर है कि पैसा नहीं है, हम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे। एक ये निगम का काम है, होना चाहिए था। एक आम आदमी जो है अपने जीवन की कमाई से लगातार टैक्स भी भर रहा है, ईमानदारी से पैसा भी कमा रहा है, और सरकार के मुँह से ऐसे शब्द सुनना कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप भी उसी बोर्ड के मेंबर हैं, ये बड़ा मतलब सोचने वाली बात हो जाती है कि सरकार जब ऐसा कहने लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि हमने तो टैक्स दिया है, तो पैसा कहाँ गया? जनता ईमानदारी से टैक्स दे रही है लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, ये कमी आप नगर निगम की कमी कहिए कि आप तो खुद एक एडवोकेट हैं, तो मुझे लगता है कि लीगली इन चीज़ों को समझना और इनको बता पाना जनता के लिए आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जो भी मैं हूँ या दूसरा जनप्रतिनिधि वहाँ रहा हो, ये जब सरकार है, सरकार में हमारे बैठे हुए लोग हैं, अगर आप जो है शासन स्तर पर पैरवी नहीं करोगे कि हमें ये समस्या है, हमें इस चीज़ के लिए फंड चाहिए। आज जब कांग्रेस की सरकार, सबसे पहले निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी थी, एनडी तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, वो आस्था पत्र उन्होंने लाया, आज भी उसका काम चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं जो वो लाए, आज भी वो योजनाएं चल रही हैं, उन पर काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपकी विकास परक सोच होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जब हम किसी लक्ष्य को रखते कि हमें आज शहर में पार्किंग नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, हम शहर वासियों के लिए पार्किंग नहीं बना पाए, लोग अपना वाहन नहीं खड़ा कर पाते हैं, जो बाहर से यात्री आते हैं, जब उनको कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी तो रुकेगा कहाँ? मतलब कांग्रेस आएगी तो पार्किंग भी बन जाएगी? कांग्रेस आएगी जो शहर की समस्याएं हैं, पार्किंग भी बनेगी। आज जो ट्रेचिंग ग्राउंड यहाँ से जो शिफ्ट घुमाने वाला होना था, हमने सदन में एक प्रस्ताव पास किया था कि जहाँ घुमाने वाला में बन रहा है वो आबादी वाला क्षेत्र है, इसको 2 से 3 किलोमीटर शिफ्ट किया जाए। जब आपत्ति सुनी थी, विभाग, विभिन्न विभाग वहाँ पर आए थे, वहाँ पर फॉरेस्ट भी आया था, एनजीटी भी आया था, निगम भी था, शहरी विकास भी था, सारे विभाग वहाँ पर थे, और ये तय हुआ था जनता के बीच कि इसको कम से कम 3 किलोमीटर पीछे हटाया जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो जस का तस आज भी है, अब वहाँ ट्रेसिंग ग्राउंड बनाएंगे, अब वहाँ के लोग भी परेशान रहेंगे। तो सरकार का केंद्र है, बिल्कुल निस्तारण का केंद्र है, लेकिन लोगों को, लोगों की समस्याओं का ध्यान भी तो हमें रखना है। जहाँ पर ये ट्रेचिंग ग्राउंड था,
वो आज से 40 साल पहले हो सकता उस तरफ कोई रहता ही नहीं था, कोई जाता ही नहीं था, लेकिन वहाँ पर खाली एरिया था, डाला, आज उसके चारों तरफ बस्ती होगी। अब घुमाने वाला में धीरे धीरे वहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर आप 3 किलोमीटर पीछे ले जाते और जब हमने बोर्ड से प्रस्ताव ये पास करके आपको दिया, आप फिर भी काम नहीं करेंगे, शासन में बैठे हुए अधिकारी बात काम नहीं करेंगे, शासन में बैठे हुए सचिव या प्रमुख सचिव इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो जब आप जनता की सुनेंगे नहीं तो इन प्रस्तावों को पास करने का मतलब भी क्या। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग काम जनता के काम में कम भरोसा रखते हैं और सिर्फ सड़कों पर चिल्लाने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। आंदोलन ही जो है सत्ता की जननी होती है, इस बात को आप भी मानते होंगे। ये आंदोलन से है विपक्ष में बैठना, विपक्ष की बात करना, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है, आप विपक्ष के नेता हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जनता की एक्चुअल समस्याओं को आप सरकार के सामने रखते हैं। जब इतनी समस्याओं की आप कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो कभी क्या कांग्रेस सरकार ने ये नहीं सोचा, या महानगर अध्यक्ष हैं आपने कभी ये नहीं विचार करा कि अब आंदोलन पे उतरा जाए, अब हम भी सड़क पे उतरें, अब हम भी जनता के साथ आके खड़े हो जाएं, अब हम भी एक बार सरकार हाय हाय के नारे लगा दें? कभी ये चीज़ें करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया फिर कांग्रेस की तरफ से? फिर ये बात वहीं सत्य हो जाती है जब महंत लोकेश दास कहते हैं कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आता। हमने समय समय पर आवारा जानवरों से संबंधित रही हो, या सड़कों से संबंधित हो, कोई भी काम या पार्किंग के संबंधित हो, हमने हर समय पर जनता की आवाज़ उठाने का काम किया। मैं तो सदन में उठाना अलग चीज़ है, लेकिन सड़कों पे आकर आंदोलन करना, जब गैस के सिलेंडर कांग्रेस सरकार में जो है 100 रुपये का भी दाम बढ़ जाता था तो भाजपा के लोग तख्तियाँ लेके सड़क पर पहुँच जाते थे, और यहाँ 200 रुपये कम हुआ तो भाजपा कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी निंदा की गई। केवल इतना ही मात्र हो जा कर देना ये आंदोलन का रूप नहीं ले सकता ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ी हम सड़कों पर उतरे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जनता को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। जब जनता साथ आएगी तभी सरकारें डरती हैं। साथ लाने वाले भी तो पार्टियाँ ही होती हैं। कांग्रेस वो पार्टी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी जो जनता को साथ लेकर उतरे? एक नेता ही जनता को लेकर सड़क पर उतर सकता है कि हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, ये विश्वास कांग्रेस कब दिलाएगी लोगों को? कांग्रेस जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार धरना प्रदर्शन, जो भी सरकार की नीतियां जनता के खिलाफ होती हैं उसके खिलाफ रोज़ हर समय आवाज़ उठाते हैं, और जब हमारे लीडरान इस आवाज़ को उठाते हैं तो उसको हम निचले स्तर तक जो है अपने ब्लॉक स्तर तक भी इस बात को हम रखते हैं और उठाते हैं। समय समय पर हम जब भी मौका मिलता है तो हम अपना जो हमारा काम होता है जनहित में वो हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, ये राकेश सिंह जी का कहना है कि समय समय पर जो काम होता है वो करते रहेंगे। कमीशन को लेकर जो राकेश सिंह जी ने कहा कि आज तक 1 रुपया भी कमीशन ठेकेदारों से इन्होंने नहीं लिया और काम गुणवत्ता का करके दिया है। सड़कें जो बनी, सड़कों को लेकर अगर ऋषिकेश में देखें तो स्थिति बहुत बुरी है। इधर रेलवे स्टेशन के पास से ही अभी मैं आ रहा था तो फिर से रास्ता बदल दिया गया। ये समस्या को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं। जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग खोला गया वो गड्ढों और धूल धक्कड़ों से भरा हुआ बिल्कुल मार्ग है। जो ये रेलवे स्टेशन वाला था, आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले हमने ज्ञापन SGM महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी को दिया था कि जो डबल लेन सड़क थी वो उन्होंने काट कर जो सिंगल लेन सड़क बना दी। रोज़ वहाँ जाम लगा रहता है और हमारे शहर का एकमात्र आवागमन का ये मुख्य मार्ग है, जिस पर एम्स की एम्बुलेंस भी चलती हैं, पार से आने वाले लोग भी आते हैं या दिल्ली से आने वाले लोग भी आते हैं, क्योंकि बाज़ार में इतना ट्रैफिक है कि ये बाईपास मार्ग का, ये बाईपास रूट के उसमें ये हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, और शहर का आवागमन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन रेलवे ने, आज रेलवे के अधिकारी कर्मचारी जनता की ओर कोई ध्यान ही नहीं है, सरकार का कोई जनता की ओर ध्यान ही नहीं है। उन्होंने सड़क को काट कर जो है अपनी पटरियां बिछा दी और रेलवे को जो है दो दो स्टेशन दे रखे, कई हेक्टेयर भूमि तो यहाँ पर नया स्टेशन दे दिया, फिर भी वहाँ पर जो है उसको जनता की सड़क काट रहे हैं। तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आज जिस तरीके से उन्होंने जो रेलवे का जो पुराना मार्ग था वो बंद कर दिया, अब नया उन्होंने डायवर्जन लगा दिया, इतनी धूल धक्कड़ वहाँ पर है कि जनता परेशान है। तो डायवर्जन आपके वार्ड में आता है? ये डायवर्जन मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन हमारे शहर में है, हमारे शहर में है और हमारा ही मार्ग है वो, आने जाने का मार्ग है, शहरवासियों का मार्ग है, हमारा मार्ग है वो। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि उस रोड पर चलते हैं जो सत्ता में बैठे, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अधिकारियों को बोलें कि भैया ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग नहीं बोलते हैं, पता नहीं अधिकारी इनकी सुनती नहीं हैं। अगर अधिकारी इनकी नहीं सुनते हैं तो ये तो दुर्भाग्य है।
कि एक दुर्भाग्य पे मैं एक बात और पूछूंगा आपसे कि जब सड़कों की भी बात हो गई, कूड़े को लेकर भी बात हो गई, कांग्रेस ने विरोध करा कि सड़क जो है ये आपने सिंगल लेन बना दी है, कांग्रेस ने विरोध करा कि अब आप जो है एक जुमला फेंक देते हैं 200 रुपये सिलेंडर कम करने का, ऋषिकेश में शराब के ठेके खुलते हैं, कांग्रेस कहाँ गायब हो जाती है? नहीं, जब ये हम, मैं तो आपको इस बात पर लाना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2017 में, उस समय भाजपा के जो लीडरान थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, ये कह रहे थे कि हम इस राज्य को शराब मुक्त राज्य बनाएंगे। आज ये जो देव नगरी है, ये जो ऋषिकेश धर्म नगरी है, इसको शराब युक्त बना दिया है। जगह कांग्रेस आएगी तो शराब मुक्त हो जाएगा? कांग्रेस ने तो, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम शराब मुक्त इसको करेंगे। मैं इनकी बात करूँ कि 2017 में जब हमारी गवर्नमेंट, 17 से पहले जब हमारी सरकार होती थी, तो इनके तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उन्होंने कहा था कि हम इसको शराब मुक्त प्रदेश बना देंगे। आज जो है, मैं अपनी ऋषिकेश की बात करूं, तो ये हमारा ऋषिकेश आज शराब युक्त हो गया है। शराब एक समस्या है आपकी दृष्टि से देखें तो, समस्या है या नहीं है? शराब, मैं आपको इस बात की ओर लाना चाहता हूं कि ऋषिकेश जो है धर्म नगरी है, यहाँ पर जो भी दूर दूर से लोग आते हैं गंगा जी के दर्शन करने आते हैं, तमाम मंदिर, जहाँ महादेव का मंदिर हो, लक्ष्मण झूला हो, राम झूला हो, जो भी है, ये तीर्थ नगरी के रूप में इसका स्थान है। और जब आपने यहाँ से बैराज से लेकर नीलकंठ से लेकर आपने तमाम जो है, या नटराज से लेकर आपने क्या क्या शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब की दुकानें, बार, अनगिनत बार आपने खोल दिए हैं, तो ये धर्म नगरी का स्वरूप रहेगा, बचेगा या ये भी बिगड़ जाएगा? तो ये तो आप सत्ता में हैं, आप जय श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं और शराब की दुकानें आप धर्मनगरी में खोलने का काम करते हैं। तो इस बात का मैं सरकार का पूर्णतः विरोध करता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए इन जगहों पर कि कहाँ हमें शराब की दुकान खोलनी चाहिए और कहाँ नहीं खोलनी चाहिए। तो सरकार को भी सोचना होगा इस पर। तो मैं तो यही कहूँगा भैया कि देखिए, इस धर्म नगरी का आप स्वरूप न बिगाड़ो, ये देवनगरी धर्मनगरी है, इसे रहने दो। चलिए, ये राकेश सिंह जी के जो विचार थे, अब ये सारी बातों को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। राकेश सिंह जी ने बता दिया है कि जितने भी मुद्दे हैं, देखिए धर्मनगरी ऋषिकेश है, यहाँ तो शराब नहीं बिकेगी अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, यहाँ से तो शराब के ठेके बंद हो जाएंगे, लीगली ये ठेके खुले हैं, इनको बंद करवा देगी कांग्रेस सरकार। शराब को लेकर आपने कहा कि 2017 में इनके वादे थे भाजपा के, हम शराब मुक्त बना देंगे उत्तराखंड को, कांग्रेस की सरकार यदि निगम में आ जाती है, तो ऋषिकेश में जो लीगली अब ये खुल गए हैं शराब के ठेके, इनको क्या आप बंद करवा देंगे फिर? देखो, जो शराब की पॉलिसी है वो शासन स्तर पर तय होती है, निगम के स्तर पर तय नहीं होती। लेकिन हम कांग्रेसियों का तो ये कहना है कि ये धर्म नगरी है, ये देव नगरी है, इसका स्वरूप न बिगाड़ो, इसको धर्म नगरी रहने दो। आपने जो शराब के इतने ठेके खुलवा दिए, इन्हें धर्म नगरी से आप हटाइए। ये हम कांग्रेसियों, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग की थी, हालांकि सरकार सुनती नहीं है, ना वो जनता की सुनती है, ना वो विपक्ष की सुनती है, लेकिन आज इस शराब के ठेकों के खुलने के कारण हमारी धर्म नगरी का स्वरूप खराब हो रहा है, ये सत्य है। चलिए, ये सत्य है कि धर्म नगरी का स्वरूप खराब हो रहा है, ये ठेके यहाँ से जो ऋषिकेश में अब खुलेआम जो शराब बिक रही है बिल्कुल डिस्प्ले करके, ये रुकनी चाहिए। और कई तरह के और मुद्दों पर राकेश सिंह जी से बात हुई, नगर निगम को लेकर कई मुद्दे थे, चाहे वो आवारा पशुओं के स्थानांतरित को लेकर थी, कूड़ा घर को लेकर थी, सड़कों के निर्माण को लेकर थी, कमीशनखोरी को लेकर थी। सभी बातों पर आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखें, अपने विचार ज़रूर लिखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।